पूरे भारत के चौथे स्तंभ को पकड़ करके आप अंदर करने का प्रयास करना चाहते हैं। चलो चौथा स्तंभ एमरजेंसी के अंदर अंदर गया था, फोटो करो सीधा। और जब एमरजेंसी के अंदर गया तब तूफान आया देश के अंदर, अब दूसरा तूफान आने वाला है। इसलिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये तूफान की सीमाएं कोई बांधने का प्रयास नहीं कर सकता है। चौथे स्तंभ को गिरफ्तार करना सीधा सीधा मतलब प्रेस के ऊपर अंकुश लगाने की बातें की जा रही हैं, और ये अंकुश हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो प्रेस की आज़ादी है ये एमरजेंसी के अंदर इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। दूसरी बार आज महाराष्ट्र सरकार ने इसको ऐसी हिम्मत करी है। अब आर या पार एक ही बार लगातार श्री महाराणा गोस्वामी का विषय नहीं है, आज प्रेस की आज़ादी का विषय है। इसलिए प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने वाले लोग रहेंगे, और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सुबह 6 बजे 500 बंदों को पकड़ करके ले करके उस पर हमला किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। अरे जो केस खत्म हो चुका था उसको बाहर निकाला गया। अरे ये दुर्दशा जो कोलिजन के अंदर चलने वाले लोग हैं वो बताने का प्रयास करना चाहते हैं। प्रेस की आज़ादी कभी समाप्त नहीं हो सकती और प्रेस का हमला कभी बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम विरोधाभास प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणब गोस्वामी को आपातकाल लगा है जो उसको पकड़ा गया, कौन सी इमरजेंसी लगी है महाराष्ट्र के अंदर? शरद पवार चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? शिवसेना चुप करके चुप्पी के उसाद करके बैठी है? क्या इमरजेंसी लग गई उसको पकड़ करके आप लोगों ने सुबह 6 बजे अंदर कर दिया? अरे क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा? अरे प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्णव गोस्वामी जिसने साधुओं के विषय के अंदर बोला, अर्णव गोस्वामी जिसने बॉलीवुड के नेताओं के विषय के अंदर बातें रखी, और वो अर्णव गोस्वामी जो सच को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहता है, तो क्या हो गया? आज कांग्रेस सरकार फिर आपातकाल लाने की बातें करना चाहती है, ये कैसी परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर? मैं दिल्ली शाह साहब से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, अरे कार्रवाई करो इस सरकार के ऊपर। जो सरकार श्रीमान अर्णव गोस्वामी देशभक्त, जो देशभक्ति, जो तिरंगे झंडे की आवाज़ को लेकर के आगे चलने का प्रयास करना चाहता है, उस अर्णव गोस्वामी को धक्के मारे गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। अरे अर्णव गोस्वामी जी आगे बढ़ो, हिंदुस्तान पूरा तुम्हारे साथ है, कोई घबराने का विषय नहीं है, आगे बढ़ते चलो, हिंदुस्तानों की कतार हिंदुस्तानियों की आपके